क्वेश्चन नंबर वन, विंडो 10 इज व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर या डी पैकेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो 10 इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर टू, स्ट्रिप इज वर्किंग इन एमएस पेंट, यू वांट टू सेलेक्ट एनी इरेगुलर शेप और पार्ट ऑफ द पिक्चर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वी शुड यूज। स्टीव एमएस पेंट पर वर्क कर रहा है और वह चाहता है कि कोई भी इरेगुलर शेप या पार्ट, पिक्चर का कोई भी पार्ट को सेलेक्ट करना, तो इनमें से वह कौन से टूल्स को यूज करेगा? ए फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, बी सेलेक्ट, सी इरेजर, डी फिल विथ कलर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्री फ्रॉम सेलेक्ट। Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए क्लास फोर्थ के सिल्वर जोन ओलंपियाड के कंप्यूटर पेपर से, जिसको कि सिल्वर जोन ओलंपियाड में इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिव ओलंपियाड कहा जाता है, उसके सिलेबस एंड सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले चलिए इसके हम सिलेबस को देख लेते हैं कि क्लास फोर्थ कंप्यूटर के लिए क्या सिलेबस है। कंप्यूटर ऑफ साइंस, जिसमें चैप्टर्स हो जाते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस, विंडो 10, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन, एमएस वर्ड 2016, एमएस पावर पॉइंट 2016 एंड इंटरनेट। ये सारे चैप्टर्स हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 14 रहते हैं एंड मार्क्स पर क्वेश्चन 2 रहते हैं। इस प्रकार टोटल मार्क्स 28 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। साथ ही कंप्यूटर्स में कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के अलावा रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से 8 क्वेश्चन रहते हैं पर मार्क्स 4, सो इस प्रकार टोटल मार्क्स 32 हो जाते हैं। एंड स्कॉलर जोन, जो कि अदर ओलंपियाड में अचीवर सेक्शंस के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें ये कंप्यूटर्स के जो सिलेबस है इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछकर हायर थिंकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस प्रकार क्लास फोर्थ में कंप्यूटर में टोटल क्वेश्चंस 30 हो जाते हैं। टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन जो है यहाँ पर 40 मिनट्स का टेस्ट पेपर में टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्पीकर। ए स्पीकर इज यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इन टू ऑडियो सिग्नल, एंड टू स्पीकर इज यूज टू कन्वर्ट द ऑडियो सिग्नल इन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी बोथ आर फॉल्स। करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए, स्पीकर इज यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इनटू ऑडियो सिग्नल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर आपको सिल्वर जोन ओलंपियाड, आईएसटी ओलंपियाड एंड अदर ओलंपियाड के सैंपल पेपर एंड सिलेबस क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे। इससे पहले मैंने सिल्वर जोन ओलंपियाड के क्लास फर्स्ट से क्लास थर्ड तक के सारे चैप्टर्स के यहाँ पर सैंपल पेपर एंड सिलेबस डाले हैं। अगर आप कोई भी पेपर या सिलेबस देखना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक या प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार आप अवश्य चेक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग, रॉम, रैम, प्रॉम एंड ई प्रॉम। इसमें हमें मैच करना है कि कौन सा मैच हो रहा है, तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। रैम वोलाटाइल मेमोरी हो जाता है एंड रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी, प्रॉम री राइटेबल मेमोरी क्लिप एंड ई प्रॉम ये इसमें हो जाता है रिटन ओनली वंस। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। एंड नेक्स्ट हो जाता है हमारा ई प्रॉम, ये जो होता है री राइटेबल मेमोरी चिप। तो इस प्रकार इसके ऑप्शन जो इसमें आ रहे हैं ऑप्शन ए, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए
क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। पहला ऑप्शन है सी डी डी वी डी एच डी डी, सेकेंड एच डी डी सी डी डी वी डी, सी एच डी 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 वी डी सी डी एंड डी डी वी डी एच डी डी एंड सी। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, इन एमएस वर्ड 2013 टू सेलेक्ट अ सेंटेंस क्लिक एनी वेयर एट द सेंटेंस बाय होल्डिंग। ए कंट्रोल की, बी शिफ्ट की, सी होम की या डी एंड की। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल की। क्वेश्चन नंबर 7, एमएस पेंट क्रिएट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेज। एमएस पेंट में किस टाइप के इमेज क्रिएट किए जाते हैं? ए वेक्टर प्रोसेसिंग, बी स्क्वायर्स एंड सर्कल्स, सी बिटमैप ग्राफिक्स या डी लाइन एंड एरियाज। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिटमैप ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी डिवाइस ड्राइवर, सी बी आई ओ एस या डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये सभी चीज इंक्लूड्स होते हैं। 9, फाइंड आउट द फिगर डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। इसमें से चार फिगर में से एक फिगर डिफरेंट है जिसे हमें फाइंड करना है। ए ये चार साइड्स है के अंदर 3 साइड्स के ट्रायंगल बने हुए हैं, बी 4 साइड्स एंड 4 साइड्स, सी 4 साइड्स एंड अंदर कोई भी साइड्स नहीं हो रहे हैं एंड डी 4 साइड्स एंड 5 साइड्स के सिर बने हुए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 4 साइड्स एंड नो साइड्स, जबकि सभी में साइड से मिलकर फिगर बने हुए हैं। दिस इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पेन को चलिए हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। दिस फिगर वुड फिट इन द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे कौन सा फिगर यहाँ पर आएगा? देखिए एक यहाँ पर वन तीर एक निशान बने हुए हैं जो लेफ्ट राइट मूव हो रहा है। इसमें भी ये जो लेफ्ट है, देखिए समझिए इसको इस तरह समझाते हैं, देखिए इस साइड है तो ये वाला फिगर अपोजिट साइड उलट कर हो जा रहा है। ये इधर है तो ये इस साइड है तो ये उलट कर नेक्स्ट डायरेक्शन उसका चेंज हो जा रहा है, अप से डाउन हो रहा है। देखिए ये ऊपर है तो ये नीचे हो गया, यहाँ अप है यहाँ इधर नेक्स्ट साइड हो गया। तो इसी प्रकार इसमें कौन सा रिलेशन होगा? तो ये दोनों फिगर जो क्या हो जाएगा इस तरह हो जाएगा, ऊपर है तो इस तरह हो जाएगा और इधर है तो फिर इधर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए। ये भी इस प्रकार का ऑप्शन है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ये थी क्लास 4th सिल्वर जर्नल ऑफ डेट के सैंपल पेपर एंड सिलेबस। क्लास 4th के अदर सब्जेक्ट्स के भी सैंपल पेपर एंड सिलेबस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। इससे पहले मैंने क्लास 1st से 3rd तक के सभी सब्जेक्ट एंड सभी ओलंपियाड एंड सब्जेक्ट वाइज जो सैंपल पेपर एंड सिलेबस डाले उसे एक बार अवश्य चेक करें। थैंक यू।